बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाए किसान टीवी किसानों का एक चैनल है। यहाँ पर किसानों के लिए एजुकेशनल वीडियोस जारी की जाती हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि हमने ये आज़म किया हुआ है कि फार्मर को जदीद फार्मिंग की तरफ लाना है। जी हाँ, आज जिस मौजू पर हम एक किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, वो बड़ा अहम मौजू है और यूनिवर्सल है। वो पाकिस्तान के किसान हो या दुनिया के कहीं के भी किसान हो, और वो ये है कि जब भी कोई फसल की ग्रोथ और कद बढ़ जाता है तो तेज़ आंधी और हवा से वो गिर पड़ते हैं। फसल का गिरना किसान की मईशत का गिरने के मुतरादफ है। किसान जब फसल गिर पड़ती है वो गिर जाता है, कभी वो अल्लाह के हजूर गिरता है तो कभी अपनी उम्मीदों को गिरा देता है। माहरीन ने इस हवाले से बहुत तगड़ो की, बहुत निचोड़ निकाला, मुख्तलफ आरा हुई, मुख्तलफ तदाबीर अख्तियार की, लेकिन आज आपको डॉक्टर नईम अकरम साहब इस हवाले से पूरी मनसूबाबंदी के तहत, पूरे डिज़ाइन के तहत, जैसे इन्होंने इस पर वर्क किया, जैसे इन्होंने फार्मर को गाइड किया, जैसे वो कर रहे हैं, वो पूरी तफसील के साथ बताएंगे और बताते भी रहेंगे आइंदा के मौजूदात पर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? हाँ, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आज ज़रा मेरे किसानों को आप इस हवाले से ज़रा बताइए कि उनकी जब फसल गिर जाती है तो उसकी वजूहत क्या है और उससे बचा कैसे जा सकता है उस नुकसान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फसल का कद लंबा हो जाए तो तने की मोटाई कम हो जाती है। हम कद को बढ़ने से रोक ले तो तना मोटा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तने की लंबाई और मोटाई का अगर हासिल जरब करें तो वो एक ही रहते हैं। जो ही तना मोटा होगा कद छोटा हो जाएगा खुद ब खुद, और अगर तना लंबा हो गया तो मोटाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर तना गैर ज़रूरी लंबा हो गया तो फिर वो हवा के गैर ज़रूरी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, टूट जाते कमर। दूसरा, फसल गिरने की वजह पौधे का जड़ों का निज़ाम और तने का कमज़ोर होना। जड़ों के निज़ाम फैलाने के लिए हम सुनते आए, पढ़ते आए, लोगों को सिखाते आए कि फास्फोरस पौधे की जड़ों का निज़ाम फैलाता है। जब प्रैक्टिकल फील्ड में देखा तो जब तक हमने फास्फोरस के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड को ऐड नहीं किया तो जड़ों का निज़ाम जो हम चाहते थे वो नहीं बना। दे दिया तो बेहतरीन सेटअप बना जड़ों का निज़ाम, और पौधे ने आंधियों को, तेज़ आंधियों को, विंड स्टॉर्म को बर्दाश्त कर गिरने से महफूज है। तीसरा फैक्टर पौधे के गिरने का, फंगस का हमला। जैसे मकई में तने पे हमला होता है फंगस का, उसको हम कहते हैं स्टेम रॉट। स्टेम अंग्रेजी में तने को कहते हैं, रॉट कहते हैं उसका गल जाना। गंदम पे रस्ट का अटैक होता है, उस रस के अटैक वैसे तना कमज़ोर हो जाता है और जट कहते हैं मेरी फसल होल गई है और वो बगैर नियंत्रण के भी गिर सकते। तरह करना है गैर जरूरी लंबाई हो गई, जड़ों का निज़ाम मजबूत ना हुआ और मोटाई मुनासब जो चाहिए थी वो ना हुई तो भी गिर जाएगा। तरह हमारी कपास का, अगर फल ज़्यादा थोड़ा सा लगा और तना मजबूत नहीं है तो भी लट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। खासकर मकई की फसल पे ये जो हमला है बहुत शदीद होता है। मकई कद लंबा खींचती है, 6-7 फुट ऊंचाई पे जाके छल्ली या सिटा लगता है, और गैर ज़रूरी लंबाई की वजह से थोड़ा सा विंड स्टॉर्म भी आता है तो कमर से टूट जाता और ज़मींदार की पैदावार खराब हो जाती है। अब हमारे माहरीन ने इस पे कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं किया। हमने अपने आप खुद ब खुद अपने ख़र्चे पे इस चीज़ को स्टडी किया।
तने को लंबा होने से बचा ले। बोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड और फास्फोरस, तीन चीज़ें अगर हम मकई की जरूरत पूरी कर दें तो तना हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता और कद छोटा हो जाता। पौधे के ऊपर सिट्टा जो है वो ज़मीन के करीब तरीन लगता है, इस वजह से पौधे के तने पे बोझ भी कम पड़ता है, टूटने से बचत यकीनी। गंदम को जब हम पहली खाद देते हैं तो उसमें नाइट्रोजन और जिंक का अगर रेशो बराबर कर लें तो पौधा, एक पौधे से जो नया बूटा मारेगा उसके तनों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जितने तने एक बीज से ज़्यादा बनेंगे उतना उस पौधे का जो ग्रोथ रेट है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। गन्ने को जब उगाओ में अगर हम ये चीज़ें हम जिंक और नाइट्रोजन खासकर अलॉन्ग विद फास्फोरस मैग्नीशियम दे दें तो वो भी एक दो गन्ने की बजाय 8-10-12 गन्ने भी बनाते हैं। दो हज़ार दस की बात है, मैंने सतारा केमिकल को बतौर ज़री माहिर ज्वाइन किया। सरगुदा से मैं वापस आ रहा दौरे से तो रमज़ान शुगर मिल से एक टेलीफोन कॉल आई जी एम साहब, मैंने कहा जी हम आपसे मिलना चाहते हैं, प्रॉब्लम क्या? हमारे पास एक गन्ने की किस्म है जो चार गन्ने बनाती है, सिर्फ गन्ना भी बड़ा तकड़ा मजबूत और उसमें शुगर बहुत, हम चाहते हैं ये 8-10 गन्ने बना ले फिर पौधा, तो जमींदार की पैदाइश बढ़े और हमारे भी इनकम बढ़े। ऑस्ट्रेलिया से हमने ज़री माहिर बुलवाया, उसको 3-4 साल से 40 लाख रुपये महीना दे रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। आपका किसी दोस्त ने तारफ कराया तो हम देखना चाहते हैं। मैंने गाड़ी रमदान शुगर मिल की तरफ मुड़ी और आके उनका फील्ड देखा, वो फील्ड जो वो ख़त्म करने जा रहे, डिमोलिश करने जा रहे, रोटावेट करने जा रहे। नहीं, मैं इस पर आपको ट्रायल देता हूँ, ये तो पहले फ्लॉप है, कि जो फ्लॉप है अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर आप मानोगे ना। ठीक है, हमने कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम अलॉन्ग विद यूरिया उसको फीड कर दिया और 15 दिन का उनको टाइम दे दिया कि 15 दिन में ये 12 पौधे फी पौधा बनाएगा, उस 12 शगुफे निकले। 13वें दिन उसने 13 शगुफे फी पौधा एवरेज दे दिया, बहुत बड़ी कामयाबी थी। मेरे नौजवान ज़िम्मेदार बिहारी में रहते हैं, मकई का कमर से टूटा हुआ फील्ड सारा 100 का 100 एकड़ बर्बाद हुआ पड़ा। गुजरने वाले ने पूछा भाई ये किस ज़मींदार की होती है, फलां मियां साहब के, उसको कहाँ मिलेगा, वो फलां जगह पटेरा। मैं गया तो वो मेरा तारफ गायबाना हासिल कर चुके थे, दे आर विलिंग। लेकिन मैं पहुँचा तो बहुत खुश हुए कि इस बीमारी का मसला आपके पास फसल का टूटना मुमकिन, कि इसको रोकने का उन्हें कोई तरीका नहीं। क्या मेरे पास तरीका है, लेकिन जब हम फसल काश्त करेंगे तो फिर उसको रोकेंगे टूटने से। काश्त का वक्त आया, रब्ता किया मैंने उनको बीज लगाने से पहले बट्टे बना के जो आपाशी देती है बीज, उस आपाशी में कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लॉन्ग विद यूरिया फ्लड कर और बीज लगा दिया। जब तक उस पौधे पे सिट्टा नहीं आया हमने मजीद खाद नहीं दी। पौधे की हाइट बमुश्किल 6 फट, तना 2 गुना से भी ज़्यादा मोटा, रूट सिस्टम बड़ा काबुल। अब जैसे ही सिट्टा तैयार होने करीब आया, 1 विंड स्टॉर्म, 2 विंड स्टॉर्म, 3 विंड स्टॉर्म, पौधा एक नहीं टूटा। फिर उन्होंने मुझे दावत किया, कुछ और दोस्तों को भी ला के दिखाया, देखो भाई ये इस बंदे ने हमें गाइड किया और हमारी मकई टूटने से बच गई है। जब पैदावार हुई तो वो हैरान कन थी, 80 दिन में हमने उस फसल को तैयार कर ली और 160 मन तक पैदावार भी ली। अब हम किसी भी मकई की फसल को 80 दिन में तैयार करके किसी भी स्पेसिफिक फील्ड पे साल में 3 फसलें ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो गंदम है
गन्नम को जब पहला पानी देते हैं और खाद डालते हैं आधी बार यूरिया और एक डीएपी, जिंक भी नहीं देते, यूरिया भी थोड़ी, जिससे पौधा टिलरिंग बहुत कम करता है। जितने टिलर्स कम होंगे उतना कद खींचेंगे। मैंने इस फसल को, गन्नम की फसल को 15 से 25 किलोग्राम फी एकड़ जिंक और 2 बोर यूरिया इकट्ठा एट ए टाइम डलवा दिया और पानी बंद कर दिया। जब तक उस फसल ने पानी नहीं मांगा, हमने पानी नहीं दिया। जब सिटाया फिर उसको फास्फोरिक एसिड, मैग्नीशियम बोरिक दोबारा दिया और वो हमारी पैदावार 100 मंथ तक चली गई और फसल हमारी गिनस में। इसी तरह अभी मैंने इसी सीज़न पे जो गुज़श्ता क्रॉप थी गंदम की, मेरे ग्रोअर हैं हाजी मोहम्मद अनीफ 265 EB, गंदम का मुआयना किया, चावल का फील्ड था, चावल वाली ज़मीन वत्तर बड़े दिन तक कामयाब कायम रखते हैं। उसके बाबा जब तक फसल पानी ना मांगे, पत्तों के अंदर कुदरती चमक है, रिफ्लेक्शन है, उस वक्त तक पानी नहीं लेना। वो गंदम बगैर आपाशी के पक गई और 50 मन एवरेज बी डी है, जो नामुमकिन सी बात लगती है। तो आप दोस्त हमसे रब्ता करें, एक दो एकड़ पे ट्रायल करें, हम आपको माहरीन बना देंगे इंशाल्लाह। और फसल आपकी ना गन्ना गिरेगा, ना गंदम गिरेगी, ना चावल गिरेगा, ना मकई टूटेगा, ना काटन लेटेगी, इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसा ही होगा। नाजरीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, बातें दिल को लगी होंगी, और जो बात सच्ची होती है वो दिल को लगती है, और जो दिल से बात निकलती है वो सच्ची होती है। डॉक्टर साहब किसानों की खिदमत कर रहे हैं, आपको जब भी कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप हमसे रब्ता कीजिए, डॉक्टर साहब से रब्ता करा देंगे। लेकिन आपने अगर मज़ीद इलम लेना है, मज़ीद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो फ़ौरी तौर पर निदाए किसान हमारे जो मैगज़ीन है उसके हवाले से आप रब्ता कीजिए, उसकी मेम्बरशिप लीजिए, सालाना फ़ीस 1500 रुपये है। और हमारा फेसबुक पर निदाए किसान TV ग्रुप है, वहाँ पर बहुत सारे माहिरीन हैं, आपका जब भी कोई मसला हो हम उस पर आइएगा, उसको ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपकी इस तरह खिदमत करते रहेंगे जैसे पहले कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपने निदाए किसान TV को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है। इंशाल्लाह अज़ीज़ हम आपको नई वीडियोज़ देते रहेंगे, और जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।